पहुंच गए। ये देख पीछे खड़ी है अपनी ब्रीफिंग होगी, ये सारी बाइक खड़ी हुई है, मेरी बाइक खड़ी हुई है। हाँ, तो ये है बजाज का प्लांट जहाँ पर ये बाइक बनती है। Hey guys, welcome back to another vlog। और आज हम व्लॉग को शुरुआत कर रहे हैं मुंबई से, क्योंकि आज हम आ चुके हैं, ट्रैम ने हमें इनवाइट किया है। ट्रैम की जो स्पीड 400 लॉन्च की गई है उसको हम चलाने के लिए हम आए हुए हैं। अभी क्या है, मुंबई से कोई खपोली खोपली कुछ जगह है, वहां हम जा रहे हैं और वहां पर हम आज स्टे करेंगे। तो अभी क्या है, ब्यूटीफुल वेदर हो रखा है, हल्के हल्के बादल है, हल्की सी धूप है और खूबसूरत सा मुंबई है जहाँ पर अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं। अभी क्या है कि इनोवा में बैठे हैं, पीछे अपना वीरेंद्र बैठा हुआ है और इधर भैया है, ये भी यूपी से निकले अपने जौनपुर से। तो अभी क्या है कि पहुँचते हैं होटल और रास्ते में क्या क्या चीज़ें होती है वो दिखाते हैं। देखो भाई, ये ऐसा है ना कि होटल में चेक इन वगैरह करने के बाद, लंच करने के बाद फटाफट बाइक मिली और बाइक का शूट करने हम पहुंच गए। ये देख पीछे खड़ी है अपनी ट्रैम्प स्पीड 400, मतलब अपनी नहीं है, बजाज वालों की है, ट्रैम्प वालों की है। लेकिन जो लोकेशन है ना भाई साहब, वो देखो सामने एकदम बादल भागते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या नज़ारा है ये देखो। और चारों तरफ ऐसी कुछ जगह है और ये बाइक खड़ी हुई है, मज़ा आ जाए मतलब लोकेशन देख के। मन कर रहा है शूट करते रहे लेकिन अभी टाइम नहीं है, फटाफट निकलते हैं होटल और वीडियो एडिट करेंगे और डालेंगे तुरंत के तुरंत। भाई फिलहाल क्या है, बाइक खड़ी कर दी है, अभी जा रहा हूँ होटल अंदर और वीडियो एडिट करूंगा। ये कुछ होटल है, ऐसा एरिया है। सो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज डे सेकंड है हमारा और अभी क्या है कि राइड के लिए हम निकल रहे हैं। अभी नीचे ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रीफिंग होगी, उसके बाद सारी चीजें मैं दिखाने वाला हूँ। रात में कुछ दिखाया नहीं क्योंकि कुछ खास था नहीं, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं डिनर वगैरह, वही होटल, ये सारी चीजें। तो फिलहाल क्या है, अभी बिल्कुल एकदम तैयार है, फटाफट नीचे चलते हैं, 7:30 हो चुका है, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। So guys, ये सारी बाइक खड़ी हुई है। ब्रीफिंग के बाद में क्या है कि अब ये सारी बाइक खड़ी हुई है, मेरी बाइक खड़ी हुई है उधर लास्ट में बिल्कुल, जो कि अलॉट हुई है ब्लैक कलर में। तो ये बाइक मैं चलाने वाला हूँ। अभी क्या है, ओपनिंग देनी थी, ओपनिंग मैंने दे दिया। वो अपनी कैब खड़ी हुई है इनोवा, वहाँ पर पूरा सामान रखा हुआ, वीरेन रखने जा रहा है। ये खूबसूरत सी प्रॉपर्टी थी और ये क्या मौसम हो रखा है भाई, एकदम जबरदस्त वाला मौसम हो रखा है। अभी आगे बैठो, जब व्यू आएगा तब। सो गाइस, अभी क्या है कि हम निकल चुके हैं राइड के लिए और साथ में हमारे जो दूसरे राइडर हैं वो हैं बाइकर नीलाद्री। ये 400 सीसी में ना रॉकेट है, रॉकेट। क्या खूबसूरत मौसम हो रखा है भाई लोगों, एकदम बारिश वारिश अभी होगी। तो अभी क्या है, मैं तो तैयार था, मुझे पता था कि बारिश होनी ही होनी है। और अभी क्या है कि लोनावला की ओर हम बढ़ रहे हैं, ये खपोली कोई जगह है महाराष्ट्र में, तो उधर से अभी क्या है कि ये कुछ हमारा रूट है और ऐसी कुछ रोड देखने को मिल जाएगी। काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगा आप लोगों की। तो अभी क्या है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, सिर्फ 3.7 किलोमीटर ही हमने बाइक को चलाया था और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो देखना है कि गोप्रो उतारना पड़ेगा कि नहीं, मुझे लग रहा है कि बारिश तेज हो रही है, गोप्रो निकालना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, तो मुझे लग रहा है रेन का, वो रेन कोट डाल लिया जाए, गोप्रो डाल देते हैं, चले चलो। तो क्या है, अभी रुके हैं ब्रेक के लिए। क्या खूबसूरत सी जगह है, पीछे देख रहे हैं एकदम पहाड़ी है और बादल नीचे आ रहे हैं। ये कुछ अपनी बाइक खड़ी हुई है इधर, एंजॉय करते हैं राइड को। तो अभी क्या ना, वीरेंद्र यहाँ पर शॉर्ट्स लेगा और इधर नीलाद्री है, ये पूरा सेफ्टी भी ध्यान रखते हैं। तो देखो अभी क्या है ना, अभी शूट चल रहा है अपना, वीरेंद्र उधर कैमरा पकड़े हुए बैठा हुआ है,
तो आप जो विजुअल देखते हो ना यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई मेरे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इधर ये नीलाद्री है, तो फिलहाल क्या है कि यहाँ पर देखेंगे ना पूरे बादल जो है नीचे आ रखे हैं, और ये कुछ रोड है। तो क्या है ना यहाँ पर आप देखेंगे क्या खूबसूरत सी जगह है। तो अभी क्या है यहाँ फोटो वगैरह करेंगे, दोनों का फोन गाड़ी में ही है। अभी राइड करते करते हम पता नहीं कौन सी लोकेशन पे पहुंचे, काफी खूबसूरत सी जगह, बादल वादल एकदम नीचे है और वहाँ पीछे वीरेंद्र है। और है क्या कि अभी यहाँ पर एकदम सामने जो पहाड़ी है वो भी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये है बजाज का प्लांट जहाँ पर ये बाइक बनती है, और अभी मैं बाहर खड़ा हूँ। ये अपनी कार है जो इंजन की एंट्री हो रही है। तो देखो ऐसा है कि अभी राइड वाइड हो गई कंप्लीट, अभी बैठे हैं चाकान प्लांट पे जो बजाज का अपना है। अभी नीलाद्री भाई अपना बैठा हुआ इधर, शूट वगैरह हो गया है, अभी कुछ और शूट करना बाकी है। वो बाइक खड़ी हुई है उधर, और अभी क्या मौसम डिसेंट है। मुझे लग रहा था कि बारिश होगी लेकिन बारिश वगैरह तो हुई नहीं, मतलब नॉर्मल ही रहा पूरा। तो फिलहाल ये बाइक है, इसका मैं करूँगा यहाँ पर रिव्यू। तो भैया अभी क्या शूट वूट हो गया, ये सामान रखा है ये। फिलहाल क्या है कि अभी चाकान प्लांट पे था, अब निकलने का टाइम आ चुका है। ये कैब है अपनी, हालांकि वो कैब थी उधर जो ग्रे कलर में है, लेकिन अभी मैं इसमें बैठा हूँ नीलाद्री के साथ में, बैठता हूँ थोड़ी सी बातें बातें करते हुए आगे निकलता हूँ, कैमरा गंदा है। तो भाइयों और बहनों अभी क्या है कि हम ये पुणे के पास में कोई जगह है वहाँ होटल में आ गए, वर्किंग शुरू हो गई है। ये कुछ वीडियो है जहाँ एडिटिंग चल रही है, काफी बड़ा रूम है, उधर वॉशरूम दिखा दूंगा बाद में, बहुत बड़ा है। व्यू का नजारा ले रहा है और वो अपना पूरा रूम है, ये काफी बड़ा रूम है। ये चेयर बड़ी अजीब सी आवाज कर रही है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद क्योंकि वीडियो एडिटिंग कंटिन्यू है। तो फिलहाल क्या है रात के लगभग 10:30 बज रहे हैं, और ये होटल है ना, मतलब बना तो अच्छा है लेकिन पुरानी डिज़ाइन है, पुराना एकदम वाइब आ रही है। और ये 2008-09 या 2004-05-06 का से लेके 2015-16-17-18-19 तक का ये बेस्ट होटल है। मतलब हम लोग जब बचपन में हुआ करते थे, जो हम लोग वन ऑफ द बेस्ट होटल देखा करते थे वो ये है। लेकिन हम लोग इतने आगे बढ़ गए ना टेक्नोलॉजी में, लुक्स में, ये सब में। अभी ये धीरे अभी मॉडर्न मॉडर्नाइजेशन इसके अंदर नहीं है, बट इसके अंदर वो पुरानी वाइब्स है जो 90s के बच्चे होंगे उन्होंने जिस तरह के होटल में रहे थे। वो मैं इनके वॉशरूम में देख रहा था, वॉशरूम के अंदर वो जो स्पेस होता है उसके अंदर साबुन रखने वाला जो है वो था। तो तभी समझ गया कि पुराना, बट या होटल इज़ गुड। तो अभी क्या है कि डिनर हो गया, बैठे हुए हैं, सुबह की फ़्लाइट है भाई, मतलब जब उठेंगे तो आपको भी देखने को मिलेगा। फिलहाल बैठे हैं पूरा दिन शूट वूट करने के बाद में, बाकी अच्छा रहा दो दिन कल और आज, भागम भाग है और कुछ नहीं, सुबह सुबह निकलना है तो इवेंट ऐसा था, बाकी देखते हैं। क्या ना रात के 2 बज रहे हैं, मतलब मैं आपको दिखाना चाहूँगा 1:56 हो रहा है, और अभी क्या है चेकआउट कर रहे हैं, जा रहे हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से क्या है घर निकलना है। कितने बजे की फ़्लाइट है, 4:10 के आसपास में। चले अभी ऑप्शन नहीं था इसलिए, नहीं तो पूरा दिन बर्बाद होता। तो अभी कैब खड़ी है, बैठते हैं निकलते हैं। ये कैब है, इससे निकलेंगे।